हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 1.1। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है कि ए और बी के निम्नलिखित मानों के लिए ए घटा बी बराबर है ए जमा बी का सत्यापन कीजिए। हमें इसका सत्यापन करना है। सत्यापन का अर्थ का क्या है यहाँ पे कि ए और बी के जो मान दिए गए हैं, जैसे पहले पार्ट की अगर हम बात करें तो ए का मान 21 और बी का मान 18 दिया गया है। तो ए और बी के इन मानों के लिए हमें ये देखना है कि यदि ए और बी के ये मान यहाँ रखे जाते हैं इस स्टेटमेंट के अंदर, तो क्या बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर है या नहीं है, हमें ये सत्यापन करना है। तो किस प्रकार करेंगे देखते हैं। पहला भाग लेते हैं हम, जिसमें दिया है a बराबर 21 और b बराबर है 18। हम देखते हैं इस स्टेटमेंट के लिए a 21 और b 18 क्या ये सही है या नहीं। a की जगह हम रखेंगे 21 घटा घटा b की जगह 18 बराबर a 21 और b का मान 18 21। यहां घटा फिर घटा, घटा गुणा घटा जमा, ठीक इसी प्रकार 21 जमा 18, 21 और 18 को जोड़िए 8 और 1 9, 2 और 1 3, इसी प्रकार इस तरह भी 39। हमने देखा कि LHS इक्वल टू RHS अर्थात बाया पक्ष बराबर है दाया पक्ष, अर्थात बाया भाग और दाया भाग दोनों बराबर है। तो इस प्रकार इस समीकरण के ये जो मान है इनके लिए ये समीकरण सत्यापित हो गई है। जो स्टेटमेंट है वो हमने सत्यापन कर दिया है उसका 21 और 18 के लिए। इसी प्रकार और भी चार पार्ट हैं इसके, हम एक पार्ट और लेते हैं, बाकी के दो पार्ट आप खुद करेंगे। एक पार्ट और लेते हैं हम, ए 118 बी 125। अब इस स्टेटमेंट में ए के स्थान पे हम लिखेंगे 118 घटा बी की जगह पे घटा 125 बराबर ए जमा बी 118 जमा 125। ठीक उसी प्रकार 118 घटा घटा जमा 125 बराबर 118 जमा 125। 8 5 13, 2 1 3 और 1 4, 1 1 2, ठीक इसी प्रकार ये। तो यहां भी हमने देखा कि बायां जो पक्ष है वो दाएं पक्ष के बराबर है। बायां भाग बराबर दायां भाग, तो इन मानों के लिए भी ये स्टेटमेंट है, इसका सत्यापन हमने कर दिया है। इस प्रकार जो बाकी दो पार्ट है उसे आप खुद सॉल्व करेंगे घर पे। हम चलते हैं 9th क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9th पे क्या दिया है देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए बॉक्स में संकेत, यहाँ संकेत दिए हैं, ये संकेत पहला, ये संकेत का अर्थ क्या है, कौन किसका संकेत है, बड़े का, बड़ा है। ये संकेत छोटा है और ये बराबर। जिस इस संकेत को अच्छी तरह समझने के लिए आप ये ध्यान रखें कि जिस अंक की या जिस संख्या की तरफ ये एक कोना है वो संख्या छोटी, जिसकी तरफ दो मुंह है वो बड़ी। अगर मैं यहां लिखता हूं 18 और 13, क्योंकि 18 बड़ा है तो 18 की तरफ खुला मुंह और बंद जो मुंह है जिसका एक शेष है वो छोटी संख्या की तरफ। अगर मैं यहां इसका प्रयोग करता हूं तो ऐसे लिखूंगा। अब यहां बात करें 18 और 21 की, तो 21 बड़ा है, इसे हम पढ़ेंगे 18 बड़ा है 13 से, यहां पढ़ेंगे 18 छोटा है 21 से। और अगर ऐसे है 18 बराबर है 18। तो ये तो थे संकेत। क्वेश्चन देखते हैं हम, हमें उचित संकेत लगाना है। ये जो स्टेटमेंट दी गई है इनको सॉल्व करके यहाँ क्या चिन्ह आएगा वो बताना है। तो पहले स्टेटमेंट उठाते हैं, पहले घटा 8 जमा में घटा 4, यहां बॉक्स दिया हुआ है, उस बॉक्स में हमें लिखना है चिन्ह घटा 8 घटा 4। करते हैं सो
पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, माइनस एट, ये जमा ये घटा, जमा घटा घटा चार, कितना हो गया, घटा आठ और घटा चार दोनों संख्याएं घटा की जुड़ जाएंगी, चिन्ह घटा का, तो लेफ्ट हैंड साइड आया है घटा बारह। राइट हैंड साइड देखते हैं, घटा आठ, घटा गुणा घटा जमा चार, एक संख्या घटा एक जमा की, क्या होगा, घट जाएगी निशान जो बड़ी संख्या के साथ। अब हमारे पास क्या है, यहाँ घटा बारह बॉक्स है और घटा चार। अब हमें ये देखना है कि घटा बारह और घटा चार में क्या संबंध है, घटा बारह घटा चार से बड़ा है, छोटा है या बराबर है। हम जानते हैं कि घटा बारह छोटा है इससे घटा चार से, क्योंकि घटा बारह ये छोटा है, तो मैंने ये निशान जो है ये लगा दिया छोटे का इस पे। अब ये जो स्टेटमेंट है ये उचित हो गई है, सही हो गई है, इसने कहा था कि इसको सत्य बनाने के लिए बॉक्स में संकेत लिखिए, तो हमने संकेत लिख दिया है, घटा बारह छोटा है घटा चार से। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन में देखते हैं क्या स्थिति है। एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं, घटा तीन जमा सात घटा उन्नीस, इस तरफ है पंद्रह घटा आठ, इसी तरह पहले लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, लिखते हैं घटा तीन जमा सात, ये घटा उन्नीस करेंगे, तीन और उन्नीस दोनों घटा की संख्या है, पहले निचोड़ लीजिए, घटा घटा जमा उन्नीस और तीन बाईस, चिन्ह घटा का जमा सात, एक जमा की एक घटा की है यहाँ पे, तो एक घटा की और एक जमा की हो तो क्या होता है, घट जाती है, तो बाईस में से सात गए पंद्रह, चिन्ह वो जो बड़ी संख्या के साथ घटा पंद्रह। यहाँ देखते हैं पंद्रह घटा आठ जमा घटा घटा नौ, यहाँ आठ और नौ दोनों घटा की संख्याएं हैं, दोनों को जोड़ दीजिए, पंद्रह घटा सत्रह, अब पंद्रह जमा की सत्रह घटा की, एक जमा एक घटा घटेंगी, बड़ी में से छोटी घटा दीजिए, सत्रह पंद्रह गए दो, चिन्ह घटा का। अब हमें यहाँ चिन्ह लगाना है क्या आएगा, अब फिर देखिए घटा पंद्रह इस तरफ घटा दो, इसका मतलब घटा पंद्रह है वो छोटा है किससे, घटा दो से, चिन्ह ये लग गया। इसी प्रकार जो थर्ड फोर्थ और क्वेश्चन है पार्ट, आप इनको सॉल्व कीजिए, आशा है आप ये समझ गए होंगे और घर पर इन्हें आसानी से सॉल्व कर पाएंगे।